बिहार के मुंगेर से जो सूचना आ रही है वह निश्चित रूप से परेशान करने वाली है। सरकार की ओर से जारी किए गए अपडेट में बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 326 हो गई है। सोमवार को 49 नए मरीज मिले हैं, इनमें से 22 मुंगेर के कोरोना हॉटस्पॉट जमालपुर के हैं, 21 मरीज जमालपुर के सदर बाजार और 1 जमालपुर के हैं। राजधानी पटना से भी सोमवार को 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, ये सब नए इलाके से मिले हैं। मधुबनी कोरोना प्रभावित 23वां जिला बन गया है, यहाँ 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही भोजपुर में 7, औरंगाबाद में 5, लखीसराय में 3 और सारण में 1 संक्रमित मिले हैं। बिहार में पिछले 5 दिनों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 200 बढ़ गई है। सोमवार को 49 संक्रमित मरीज मिले, इससे पूर्व 26 अप्रैल को 26, 25 अप्रैल को 28, 24 अप्रैल को 47, 23 अप्रैल को 33 और 22 अप्रैल को 17 मरीज मिले थे। इधर पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन तोड़कर बिना काम के शहर में निकलने वालों को सरकार उठक बैठक भी करा रही है। इसके बाद भी पटना के गोविंद मित्रा रोड में जो तस्वीर सामने आ रही है कोरोना के चेन को बढ़ाने के लिए वह काफ़ी है। यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस की ताक पर रख कर घूम फिर रहे हैं। बताते चले कि कल तक पटना रेड जोन में था और अब 6 नए मरीज मिलने के बाद पटना की स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है। बहरहाल सरकार कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए अपनी ओर से सैनिटाइज करने से लेकर ड्रोन से लोगों पर निगरानी रख रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। और जो भी उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो शरारती तत्व टाइप के लोग हैं जो अदरवाइज अफवाह या कुछ उड़ाएं तो उनको भी चेताने के लिए ये चीज़ की गई है कि जो हम लोग का है कि यहाँ जो अच्छा माहौल है और इसी माहौल में सब लोग आ करके जिस तरीके से जो हेल्थ टीम्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो जा करके सबका जो है टेस्टिंग हो रहा है, सर्वे हो रहा है, तो उसके साथ कोऑपरेशन करें। और मुझे लगता है कि अगर पब्लिक का भी साथ में कोऑपरेशन रहेगा और जिस तरीके से जो काम हो रहा है तो हम लोग जो है इस चीज़ से निकल पाएंगे।